Hello friends, once again I am here, your trainer, your guide, Jaspal Rawat. Friends, video is new but the instructions are same. Learn the sentences in the video and see the improvement in your English. And why so? For this you have to refer my previous videos. So let's start. What is the difference between cost and price? Cost और price के बीच में क्या फर्क है? क्या दोनों का एक ही मतलब है या अलग अलग मतलब है? इसका आंसर हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे. आज हम जिस वर्ब पर चर्चा करेंगे वो है स्नोर. टू ब्रीथ ड्यूरिंग स्लीप विथ ए हार्श रफ साउंड. सोते हुए जो नाक से आवाज आती है उसे हम स्नोर कहते हैं. हिंदी में हम कहते हैं खराटे भरना. There is no permanent cure for snoring. खराटों का कोई स्थायी इलाज नहीं है. राकेश snores during sleep. राकेश नींद में खराटे भरता है. It is difficult to sleep with a snoring person. खराटे भरने वाले इंसान के साथ सोना बहुत मुश्किल है. Frequently asked questions, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल. आज का टॉपिक हमारा जनरल नॉलेज पर है. पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर. पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, कितने खंड हैं? देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स. पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं. विच इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ. सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ. सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है. विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट. किस महाद्वीप को डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है? अफ्रीका इज नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट. अफ्रीका महाद्वीप को डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है. विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज व्हाइट कॉन्टिनेंट. किस महाद्वीप को सफेद कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है? एंटार्क्टिका इज नोन एज व्हाइट कॉन्टिनेंट. अंटार्क्टिका को सफेद कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है. विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है. टू विच कॉन्टिनेंट डज इंडिया बिलोंग. भारत कौन से महाद्वीप का हिस्सा है? इंडिया इज ए पार्ट ऑफ एशिया. भारत एशिया का हिस्सा है. अब हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट और प्राइस के बीच का फर्क. कॉस्ट यानी कि इट इज द मनी इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट राइट फ्रॉम द रॉ मटेरियल. लेबर कॉस्ट
टू ट्रांसपोर्टेशन. कोई भी चीज को बनाने में जो लागत आती है, जिसमें हम लोग मजदूरी पकड़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पकड़ते हैं, कच्चा माल पकड़ते हैं, जिसको हम लागत कहते हैं, वो कॉस्ट होता है. प्राइस, इट इज द अमाउंट एट विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड. जिस कीमत पर प्रोडक्ट को बेचा जाता है उसको हम प्राइस कहते हैं. इट इंक्लूड्स द कॉस्ट एंड द प्रॉफिट. इसमें लागत और मुनाफा दोनों पकड़ा जाता है. इट कैन ऑल्सो बी सेड एज सेलिंग प्राइस. इसे हम कीमत भी कहते हैं. तो कॉस्ट का मतलब होता है लागत और प्राइस का मतलब होता है कीमत. तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोई भी चीज खरीदने जाओ तो प्राइस पूछो, कॉस्ट नहीं. फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा कोई आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए. मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए और फिर अपनी लैंग्वेज में सुधार देखिए. थैंक यू. कीप लर्निंग. हैव अ नाइस डे.